और इधर बाबी है। बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे शिवान की बेबी मेरी रेडी हो गई है, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और इधर रोशनी डार्लिंग रेडी हो गई है। तो आज हम लोग सारे बहने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है हमें और बाकी का जो भी प्लान होगा मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। फिलहाल आज थोड़ी देर के लिए बुआ के तरफ से भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि घर जाना है तो सोचे कि एक बार भाभी जी से फिर से मिल लिया जाए। सो चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। जाओ, यहाँ पे जाने वाले लोग हैं इसलिए ये विदाई सीन चल रहा है। और इधर भाभी है। ये इन लोग का मिलाप चल रहा है, मैं नहीं हूँ उस वीडियो में। ये देखो सुगु, सुगु ये देखो। तो यहाँ पे आ गए हैं लोग, एक छोटा सा मार्ट है वहाँ पे। तो रोशनी को कुछ अपने लिए लेना था, प्लस मैं भी आ गई थी कुछ देखने के लिए। तो मुझे ये ड्रेस थोड़ी पसंद आ रही थी बट मैं देख के छोड़ दी, मैंने लिया नहीं। और बस मैं आगे देख रही थी कि क्या क्या और अच्छा है, जो भी कुछ पसंद आएगा तो मैं भी ले लूँगी। और बहुत रोशनी बोली थी चलो दीदी वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस हैं, तो बस वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक टी शर्ट देख रही थी खुद के लिए, तो फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, खास नहीं लगा मुझे, तो मैंने टी शर्ट वगैरह नहीं लिया था। और इसके ऊपर जब मैं गई थी ना तो कुछ होम डेकोर के आइटम थे या फिर थोड़ा बहुत जो होम एसेसरीज होता है ना वो सारा सामान था, तो मुझे उसमें से कुछ पसंद आया था तो मैं वही ली थी। फ़िलहाल तो अभी हम लोग कपड़े ही देख रहे हैं, तो ये टी शर्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी कि ले लूँ मतलब वहाँ से पहन के जाने के लिए। फिर मुझे लगा नहीं, वहाँ से पहन के मैं ये नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ मायके से फिर इस तरीके से आना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से मैं चलती हूँ। हाँ, बैंगलोर में मैं ये सारे कपड़े पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट मैं जब भी अपने नेटिव में जाती हूँ तो वहीं पर ससुराल है मेरा और मायका भी वहीं पे है, तो मैं ज़्यादातर एथनिक ड्रेस ही पहनती हूँ। साड़ी हो गया, सूट कुर्ती, ये सब ही मैं पहनती हूँ। और ये एक पर्स भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। और फिलहाल यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है, यहाँ पे बिलिंग भी हो गया, तो ये सारे कपड़े अभी हम लोग बैग में डाल रहे हैं और ऊपर से हम लोग जा रहे हैं भी घर, क्योंकि आप लोगों से मुझे और भी एक इम्पॉर्टेंट बात करना था, क्योंकि पतिदेव आ गए थे बुआ के यहाँ। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं पार्टी में, मतलब पार्टी क्या, रेस्टोरेंट जाने के लिए बहनों को लेके। और यहाँ पे उनके जीजा जी आ गए हैं। एक्चुअली हुआ यूँ था कि हमारा थोड़ा सा लड़ाई हो गया था और मैं थोड़ी सी सैड भी थी, मतलब सैड थी, हमारा हम दोनों का बात ही नहीं हो रहा था। और किसी किसके साथ ऐसा होता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब कभी हमें हम लोग को बाहर जाना होता है ना तो ऐसा होता है कि हाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो ही जाता है और थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन खुद को थोड़ा सा चिल करा के मैं यहाँ आ गई हूँ। और हम दोनों यहाँ बैठे हुए लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद बात स्टार्ट हो गया था, लेकिन फ़िलहाल मैं भी गुस्सा थी और वो भी गुस्सा थे। मतलब ऐसा अक्सर ही होता है, जब भी मैं गुस्सा होती हूँ ना वो ऑटोमेटिक ही गुस्सा हो जाते हैं, मैं नाना भी नहीं आता। लेकिन चलो कोई नहीं, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर मेन्यू डिस्कस कर रहे थे और श्रेयांश बोल रहा था कि उसका थोड़ा सा सर दुख रहा है, तो बस मैं उससे लाड प्यार कर रही थी। और मैं ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और थोड़ा सा माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे फूड आ गया है और बच्चे लग गए हैं खाने पीने में।
पता उसमें क्या होता है। और अभी जा रहे हैं हम लोग घर, और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मैं अपना पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कल हमें निकलना है। तो बस मैंने सोचा चलो सारे कपड़े मैं पैक कर लेती हूँ, जो भी बच्चों का कपड़ा था ना वो बाहर निकला हुआ था और ये सारे, तो बस बहुत ज़्यादा कपड़ा था मेरे पास, सूटकेस दो था, तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर करके पैकिंग करना था। तो अभी मैं इसमें से सारे कपड़े बाहर निकाल रही हूँ और फिर इसे मैं अच्छे से पैक करूँगी। बस मेरी यहाँ विदाई की तैयारी हो रही है, यहाँ पे बहन मेरी आ गई है, मतलब बच्चों की फरमाइश थी कि मासी ये बनाइएगा वो बनाइएगा वो बनाइएगा, तो इन लोगों के पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो कल मुझे निकलना है और आज प्रिपरेशन हो रहा है, बच्चों का डिमांड, मतलब जो कुछ भी साथ में खाने के लिए ले जाना है देना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब देखते हैं रेसिपी मिस रोशनी की। तो यहाँ पे अभी हो रहा है बच्चों की फरमाइश पूरी, यहाँ पे मासी अपना पूरा सामान लेके बैठ गई है अपने बच्चों का फरमाइश पूरा करने के लिए। तो श्रेयांश का फरमाइश था कि मासी नमकीन वाला वो नमकीन बनाइए और खास्ता बनाइए, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे खास्ता तक की तैयारी हो रही है, जैसे खजूर हम लोग की साइड पे जो बनता है, तो यहाँ पे ये जो है बादाम का पाउडर है और इसमें मैदा और सूजी ये सब डाल के और इस तरीके से रोशनी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन वहाँ पे स्टैंड को मासी का हाथ का खाना था, तो अच्छा यहाँ पे अभी उसी की तैयारी हो रही है। हम लोग बोलते हैं पीनट्स ना, मूँगफली बादाम तैयार हो रहा है, शुगर सिरप जो कि इसमें जाएगा, मैदा सूजी प्लस बादाम का पाउडर जो हो गया और नारियल और क्या है इसमें बादाम नारियल जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना हो कोई भी। ये आटा डाला जा रहा है जो गेहूं का आटा होता है, वरना तेल में फूटने का डर रहता है ना, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। चलिए मैं भी ये सब सीख ले रही हूँ, जैसे कि तुम बनाती ही नहीं हो। बनाती हूँ इतना तो परफेक्ट नहीं, तुम धीरे धीरे सीखी होगी किसी किसी से, तुम्हें बाप रे मैं तो इतना गर्मी है कि ये देखिए पसीना बहुत ज़्यादा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और आज क्या हुआ कि मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया है। लड़ाई नहीं अपने आप, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी। दो तीन चम्मच भर के इसमें घी डाला जा रहा है, देसी घी है घर वाली, और फिर मोइन के लिए इसमें हम लोग डालेंगे ऑयल। पता पाउडर क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि बाद में वो गीला होने लगता है, इसीलिए उसको पानी में अगर कर दो उसको गीलापन खत्म हो जाता है। मोइन भी होता है तो दिक्कत होता है, ज़्यादा बादाम भी होता है तो दिक्कत है, ज़्यादा सूजी भी हो तो दिक्कत है। और यहाँ हाथों से मलने के बाद इसमें अच्छी बाइंडिंग आ गई है, अब इसमें डालेंगे ये शुगर सिरप जो बना के रखा हुआ है, और इस तरीके से इसे हम लोग मसल मसल के तैयार करेंगे, और इसे खूब मसलना पड़ता है और थोड़ा आटे के जैसा भी गूथना होता है, नहीं तो ये जो है ना ऑयल में फटने लगता है। तो मैं इसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ और रोशनी अपने हाथों से मसल रही है और इसको बिल्कुल आटे की तरह वो तैयार कर लेती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है खजूर तला जा रहा है इस तरीके से, हम चाहे तो पीस से इसे ठोक के और नाइफ के हेल्प से कट करके भी हम लोग इसे तल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ठोक के अभी बना रही क्योंकि मैंने ही बोला था। और इसका एक सांचा भी आता है जिसमें ना बहुत अच्छा शेप आ जाता है डिज़ाइन जैसा, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके से भी हम लोग बनाते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।